Now we will discuss why does ICT matter in early childhood education. So there are at least three reasons why ICT matters in ACE. Number one, ICT affects the people and environments that surround young children's learning. Uh, dekhye, it jab se, uh, 21st century ke revolution ICTK or IT ka. तब से हमारी बहुत सी जो चीज़ें हैं हती के जो हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं और आई के ऊपर कन्वर्ट हो गई हैं तो हमारा एक एनवायरनमेंट ऐसा बन चुका है जहाँ पे बच्चे अपने वालदान को भी हर वक्त आईसीटी के साथ मशगूल देखते हैं तो एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिससे वो बाहर निकल नहीं सकते सो so, एक कॉन्सेप्ट जो पैदाइशी तौर पर उन्होंने हासिल किया है एज ए नेटिव चाइल्ड वो आईसीटी का है सो आई सी टी अफेक्ट्स द पीपल एंड एनवायरमेंट दैट्स अराउंड यंग चिल्ड्रंस लर्निंग अब जितने उनके लर्निंग एक हैं उनके अंदर भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जगह जगह पर हो रहा है इट ऑफरस न्यू ऑपरचुनिटीज टू स्ट्रेंथन मैनी आस्पेक्ट्स ऑफ अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन प्रैक्टिस देखिए बहुत सी एजुकेशनल गेम्स हैं एजुकेशनल एप्लीकेशंस हैं और टी वी से तो बच्चे पहले से ही मुतारफ़ थे जिसमें वो तरह तरह के टेलीफोन और मूविंग करेक्टर्स देखते हैं फिर मुख्तलिफ तरह की तस्वीरें उनके सामने आती हैं तो इस टेक्नोलॉजी से तो उनका बहुत पहले से तारुफ है लेकिन दरअसल आई सी उनके अब सलेबस के अंदर शामिल हो चुकी है जिस वजह से इसके इंपॉर्टेंस पहले से ज़्यादा बढ़ गई है इट प्रोवाइडस ऑपरचुनिटीज टू सपोर्ट एंडहैंस चिल्ड्रेंस लर्निंग एंड प्ले एक्सपीरियंसिस देखिए अब जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बहुत सी ऐसी गेम्स हैं जिन पे बच्चे मशगूल रहते हैं अपनी टैब्स पे या अपने कंप्यूटर्स पे या सेल के ऊपर तो उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं वो अब मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल होती हैं पहले वो सेंसरी जो अपने ए, ए, जो ऑर्गन्स थे उनका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे थे टच करने में मूव करने में जबकि अब वो स्पीडी एक्शंस के तहत अपनी चीज़ों को बदल रहे हैं

और ऐसे एकेडमिक एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं जिनका डायरेक्टली आईसीटी से ताल्लुक़ है तो बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जो मैथमेटिक्स साइंस पढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं लैंग्वेजेस पढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं तो आप ये देखें कि अब ये आपको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी है यानी ऐसा नहीं है कि हम कुछ अपनी मर्जी से इसमें ऐड करना चाह रहे हों बल्कि जितने तालीमी इदारे हैं ख़्वा वो लोयर लेवल के हैं या हायर लेवल के हैं वो पब्लिक सेक्टर के हैं या प्राइवेट सेक्टर के हैं वो सब इस बात में सपोर्ट कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी को जो यंग हमारे बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाए लेकिन मवसर तौर पर इस्तेमाल किया जाए सो इट स्ट्रेंथ स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप देखिए बच्चों का पहले एक्सपोजर वही था जब वो अपने घर में देखते थे या अपने स्कूल में देखते थे या अपने प्ले में देखते थे जब से उनका इंटरेक्शन टीवी से हुआ है इंटरनेट से हुआ है मुख्तलिफ तरह की जहाँ पे उन्होंने वीडियोस और ऑडियोस देखी हैं तो अब उनका एक्सपोयर बहुत बढ़ चुका है ऐसी सूरत में अब वो अपने इर्द गिर्द की कम्युनिटी के बारे में भी जान गए हैं तो पहले जब उनका कम्युनिटी के साथ कुछ रिलेशनशिप नहीं था अब वो रिलेशनशिप बहुत ब्रॉड हो गया है बहुत वसी हो चुका है सो इट इंक्रीज द इन्वॉलमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर तो अब ऐसा है कि आई बच्चा आइसोलेशन में या अकेले में इस्तेमाल नहीं करता बल्कि उसके इर्द गिर्द उसके पेरेंट्स और जितने भी एजुकेशनल स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए देखता है इसलिए लाजमी है कि उसके अपने एकेडमिक एक्टिविटीज़ में भी हम टेक्नोलॉजी को लेके आएं।